हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ आपके साथ में एक और नए व्लॉग में। काफ़ी टाइम बाद में ये आ रहा है नया व्लॉग, और इस व्लॉग में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मेरे यूके वीज़ा के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, वेलकम। और आज डेट है 17 अगस्त, और आज है मेरा बर्थडे। तो सबसे पहले सब बोल दो हैप्पी बर्थडे, बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। और आप लोग भी बोल दो। चलो अब आते हैं बात पे। तो एक्चुअली ये वीडियो मैंने शूट तो काफ़ी टाइम पहले कर दिया था, यही जस्ट इंट्रो अभी आज 17 को शूट किया था। बट ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले मैंने शूट कर लिया था, और काफ़ी टाइम 3 तारीख को शूट किया था। मैं जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अपने यूके वीज़ा के लिए वेटिंग कर रहा था। उसके बाद मैं एक बार पेड इंक्वायरी भी की, पेड इंक्वायरी के ऊपर मैंने वापस रिस्पॉन्स भी किया था, काफ़ी सवाल जवाब भी किया था, बट कुछ भी मिला नहीं। तो फिर एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो उनका भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो उन्होंने मेरे को मैं सोच रहा था कि मैं सेकेंड पेड इंक्वायरी करूँ, बट मैं वेट कर रहा था 4 तारीख से आगे, नेक्स्ट जो मंडे आने लगा उस दिन का। बट मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि आप ना आज ही पेड इंक्वायरी कर दो, ताकि आप आगे रक्षाबंधन 15 अगस्त की छुट्टी, तो 2-3 दिन छुट्टी वो हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपका और थोड़ा डिले हो जाएगा, तो बेटर रहेगा आप आज ही पेड इंक्वायरी कर दो। तो मैंने उनके कहने पर 4 अगस्त को 5 बजे, शाम के 4 बजे मैंने पेड इंक्वायरी की थी। हाँ एक मिनट रुक बेटा। हाँ तो 4 अगस्त को मैंने पेड इंक्वायरी की थी, फिर मेरे पास में 4 तारीख को वापस मैसेज आया था कि जो नॉर्मली रिप्लाई आता है कि आप, ये मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि आपका आपने इंक्वायरी की है, आपको हम जल्दी जवाब देंगे विद इन 5 डेज बोलते, बट नॉर्मली वो दूसरे दिन जवाब देते थे। तो फिर उनका वापस 5-6 तारीख को वापस मेरे पास में ईमेल आया कि आपका केस 6 वीक से ज़्यादा के वेटिंग टाइम में है। पहला 6 वीक से ज़्यादा के वेटिंग टाइम में है, जो चूँकि आपको 8 से 10 वीक ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो आप 8 वीक से, आज से जो ये उन्होंने ईमेल किया यहाँ, आज से लगा के 8 वीक तक, हाँ 8 वीक तक आप कोई भी वापस इंक्वायरी नहीं करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि उनके पास में कोई वो होगा नहीं आंसर। आंसर यही होगा कि आपका डिसीजन पेंडिंग में है। तो फिर मैं भी बैठ गया, अब क्या कर सकते, उन्होंने बोला है 8 वीक तक मेरे को कुछ भी करना नहीं है, तो ना मैंने उसके ऊपर वापस कुछ पूछा, ना उनको कुछ वापस ईमेल किया, और उसके बाद से मैं कर रहा था वेटिंग। बट मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले डालना चाह रहा था, लेकिन कुछ कारण उस नहीं डाल पाया। तो आज ये वीडियो होपफुली 17 अगस्त है, और कल 18 अगस्त को ये वीडियो आ जाना चाहिए। तो यही था एक छोटा सा अपडेट, मैंने 31 मई को मेरा बायोमेट्रिक था, उसके बाद में जुलाई पूरा कुछ रिस्पॉन्स नहीं, जिसमें मैंने एक पेड इंक्वायरी की थी उसका वीडियो बना के मैंने डाला था, और उसके बाद में दूसरी पेड इंक्वायरी के लिए मैं सोच रहा था। तो जो मैंने अभी बताया कि मेरे सब्सक्राइबर ने बोला कि आप लेट मत करो, क्योंकि वो 15 दिन का टाइम मांगते हैं, 15 दिन के बाद में अगर कुछ होता है तो और ज़्यादा प्रोसेस होता है। तो ऐसे करके मेरे को 2-3 ईमेल्स आए थे कि आपका, पहले उन्होंने बोला आपका, एक ईमेल आया जिसमें मेरे को बोला कि आपका 15 दिन में हम कुछ रिस्पॉन्स देंगे, एस्केलेट करेंगे, कुछ ऐसा कुछ था, आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। और फिर दूसरा ईमेल आया जिसमें उन्होंने बोला कि 8 वीक तक आप वापस इंक्वायरी मत करना, क्योंकि हमारे पास में कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। तो कुछ ये है अब तक का अपडेट। तो जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त आज 17 हो गए, बट अभी तक तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है।
कुछ भी रिस्पांस नहीं है, तो इसीलिए मैंने छोटा सा एक रिस्पांस किया था, सॉरी एक वीडियो अपलोड किया था और हम मिला थे आप एक और ये इसको जानते हो पहले के एक दो वीडियो में ये आया हुआ है, अभी थोड़ा सा बदमाश ज़्यादा हो रहा है। बोलो हाय हाय गर्ल हाय नहीं नहीं। और अभी राजस्थान का कुछ मौसम ऐसा है, ये बादल जा रहे हैं इधर इधर, पूरा मौसम एकदम बारिश जैसा हो रखा है। और ये हमने 15 अगस्त को हमने भी जय हिंद दो दिन हमने लगाया था। चलो ठीक है, और लास्ट में वही कि नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।